राधे राधे दोस्तों, बबीता जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको सूजी से गुलाब जामुन बना के दिखाएंगे। सबसे पहले सूजी अपने आवश्यकता अनुसार ले लें। एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के सूजी को हल्का ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाए 2 गिलास दूध डाल देंगे। इसको अच्छा से चलाएंगे और मिल्क पाउडर 1 बाटी इसमें डाल देंगे। डाल के अच्छा से इसको मिलाएंगे। इसको अच्छा से दूध को इसमें सुखा लेंगे। फिर ऊपर से 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। डाल के गैस का फ्लेम कम करके इसको अच्छा से चलाएंगे। एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल के अपने आवश्यकता अनुसार चीनी डाल देंगे। डाल के चाशनी बनाएंगे। बनाने के लिए उसे छोड़ देंगे। इधर इधर सूजी के पेस्ट जब ठंडा हो जाए उसे हाथ के सहारे से अच्छा से उसको खूब मिलाएंगे, जब तक कि ये अच्छा से मिल ना जाए। उसके बाद गोल गोल के आकार में शेप दे देंगे। देखिए चाशनी बन के तैयार है। इसे हाथ के सहारे से देखेंगे। एक तार अगर बन जाए तो हो गया, चाशनी बन के तैयार है। इधर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के सूजी के मिठाई को अच्छा से तल लेंगे, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। देख सकते हैं गोल्डन फ्राई हो गया है। इसे निकाल लेंगे और एक छोटा सिक्की के सहारे से इसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर देंगे और चाशनी में डाल देंगे। डाल के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए सूजी से बना हुआ गुलाब जामुन बन के तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।